हैवी क्वालिटी आएंगे भाई, है ना। ये थोड़ा डाल देना। अबर बादल मौसम हो रहा है, है ना। अब ऐसे मौसम में कबूतर बहुत जल्दी बीमार पड़ता है। तो हम पहले नंबर पे लेना है आपको अदरक, अदरक का इतना बड़ा आपको टुकड़ा ले लेना है। और दूसरे नंबर पे लेना है आपको काला गुड़, ये देख लो, ये आपको पंसारी गाँव मिलेगा। बड़ी काली इलायची, ये कबूतरों में डाइजेस्ट के लिए बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। दालचीनी का टुकड़ा इतना बड़ा लेना है आपको, ये दालचीनी है, ये बड़ी इलायची है, ये अदरक है, है ना। ये चार आइटम आपको लेना है। और किस तरह से हो गया, अभी कुछ दिन पहले तेज़ धूप निकल रही थी, है ना, यानी दिन में गर्मी रात में ठंड, दिन में गर्मी रात में ठंड। और अभी एकदम से मौसम ऐसा हो गया, रात में ठंड हो गई, दिन में भी ठंड हो गई है, पूरा अबर बादल मौसम हो चुका है, तरीके से अलटता पलटता। तो ऐसे मौसम में हमारे कबूतर बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, कबूतर फूल के बैठते, कबूतर हरी बीट ग्रीन बीट, कबूतर का डाइजेस्ट नहीं होता है। तो उसके लिए हमारे को ये इस्तेमाल करना होगा, और ये मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, अपने कबूतरों को दे रहा हूँ, और साथ ही आपको भी ये दे के बताऊँगा कि किस तरीके से ये नुस्खा बनाना है, अपने पूरे कबूतरों पर ये देना। अब ये आपको करीब 1.5 से 2 लीटर पानी ले लेना है, और ये जो आप देख रहे हो ये अदरक, ये इसमें डाल देना है, बड़ी इलायची ये भी इसमें आपको डाल देना है, और ये दालचीनी का टुकड़ा इसमें डाल देना है। अब आपको ये बारीक कूटना है, पीसना है, बारीक मुहिम करना है। तो इसको दोस्त मैं बारीक कूट लेता हूँ, इसको पूरा बारीक कूट लिया अंदर, है ना, इस तरीके से ये बन गई है। अब इनका करना है क्या है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने जो 1.5 से 2 लीटर पानी लिया है, ये आपको पूरा इसमें डाल देना है, पूरा अंदर भी साफ हो गया है। और ये जो आप देख रहे हो ये काला गुड़, ये काला गुड़ को आपको ऊपर से डाल देना। देखिए मैंने इसको गैस पे रख दिया हूँ मैंने, और भाई गैस चालू कर दिया हूँ मैंने, है ना, ये गैस चालू है। अब आपको ये पानी को उबालना है, एक उबाली देना है, और ये जो पानी बनेगा ये आपको कबूतर को 3 दिन पिलाना है। अब 3 दिन किस तरीके से पिलाना है, जब से कि पानी ये उबलेगा 2-3 उबाली लेना है, लेने के बाद में पानी को संभाल के कोई सी भी खाली बॉटल में रखना है। तो दोस्तों ये देखिए पानी को हमने 2 उबाली ले ली है। अब आपको क्या करना है, इसको छन्ने के द्वारा किसी भी खाली डब्बे में आपको ये पानी को छान लेना है। दोस्तों ये पानी का बहुत अच्छा रिजल्ट है, कबूतर आपके बहुत अच्छे फिट रहेंगे, कबूतर का डाइजेस्ट वगैरह सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। ये हमने इसमें ये देखे तो हो गया बढ़िया काम, ये हमने छान लिए, चल भैया तेरा काम ख़त्म हो गया है। अभी आप ये देख रहे हो भाई ड्रिंकर, ये 6 लीटर का ड्रिंकर, ये ड्रिंकर आपको मेरे पास मिल जाएगा। कभी आपके पास नहीं है और आपके शहर में नहीं मिल रहा है तो भाई ये मैं सेल करता हूँ। मेरे पास 3 लीटर का ड्रिंकर भी है, 6 लीटर का ड्रिंकर भी है, और आप जितना बोलेंगे उतने आपको मेरे पास मिल जाएंगे। तो आपको भी कबूतर को पानी ड्रिंकर में पिलाना है, खुले में नहीं पिलाना है, है ना। अभी आप खुले मिट्टी का सिकोरा रख रहे हो या फिर कोई सा भी एक बर्तन रख रहे हो खुले के अंदर, वो नहीं काम करना है, सिर्फ ड्रिंकर के अंदर। इसमें क्या है, पानी साफ सुथरा रहता है, कबूतर आराम से पानी पी लेता है और पानी गंदा भी नहीं होता है। तो भाई ये 6 लीटर का ड्रिंकर है, ये ड्रिंकर आपको मेरे पास मिल जाएंगे, और ऑल इंडिया डिलीवरी। इस तरीके से ड्रिंकर देखिए, अभी ड्रिंकर गंदा भी हो जाता है तो अब आप अंदर हाथ डाल के पूरा इसको साफ भी कर सकते हो इस तरीके, ठीक है, इसे अंदर हाथ साफ भी कर सकते हो। हैवी क्वालिटी आएंगे भाई, है ना। और इसमें आपको पानी थोड़ा डाल देना है,
कि हमने इसमें 3 लीटर पानी लिए, ज़्यादा नहीं 3 लीटर। और अभी जो हमने ये पानी बनाया है काढ़ा कबूतरों के लिए, तो आपको इसमें ये थोड़ा डाल देना। ये देखिए पानी कलर चेंज हो गया है। अब क्या करना है आपको, ये डब्बा ऊपर से लगाना है। चलिए देखिए दोस्तों, है ना, ये हो गया। दोस्तों हमने इसमें 3 लीटर पानी भरे हैं और ये देखिए अंदर पानी भरा गया ये। अब इसमें फ़ायदा क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ये जो हमने पानी बनाया है ना, तो ये पानी आपको कबूतरों को 3 दिन पिलाना है। ये 1 दिन पूरा पिलाना है, जब ये पानी 1 दिन में पूरा ख़त्म हो जाए तो ये पानी फेंक देना है। फिर उसी तरीके से आपको ताज़ा पानी लेना है, फिर थोड़ा पानी ये डाल देना है। ये आपको ये मान के चलो कभी आपके पास 10 कबूतर हो या 20 हो या 50 हो या 100 हो, जिस तरीके से मैंने पानी बताया उसी तरीके से ही आपको पानी बनाने सभी कबूतरों को देना है। इससे कुछ भी नुकसान नहीं है, इससे कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उल्टा हमारे इससे कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है भाई। ये इस्तेमाल करने से आपके कबूतर में चुस्ती, फुर्ती, एनर्जी, कबूतर की इम्यूनिटी। अभी आप मौसम देख लो भाई, मौसम कैसा हो रहा, अबर बादल मौसम हो रहा है है ना। अब ऐसे मौसम में कबूतर बहुत जल्दी बीमार पड़ता है, तो हम चाहते हैं हमारे कबूतर वायरस बीमारी में नहीं आए। तो आप ये पानी इस्तेमाल करें और ये पानी को संभाल के रखें आप। ये हमने इसको पानी संभाल के रख दिए, अभी हम हमारे सभी कबूतर 3 दिन पिलाएंगे। ये इस तरीके से हमने संभाल के रख दिया, ये काढ़ा हो चुका है तैयार। ये घरेलू नुस्खा है भाई, देख लिया भाई, ये पानी इसमें हो चुका है, दो है ना। ये देखिए दो पानी अंदर भरा हुआ है ये, और ये कबूतर 1 दिन में आराम से पिलेंगे। और ये आपको सभी कबूतरों को पिलाना है, एक कबूतर को भी नहीं छोड़ना है। ये सब कबूतर बैठे हैं इंतजार में। देखो मेरे कबूतर का सब शौक करिए। अब दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, ताकि हमारे जो नए भाई है अभी के मौसम में, ये जो मौसम बदल रहा है, तो ऐसे मौसम में ये इस्तेमाल करके अपने कबूतरों का महफूज रखें।